हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। होली हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, हम लोग ख़रीदारी ज़रूर करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। और जब भी हम ख़रीदारी करते हैं तो हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला, एक के साथ एक फ्री, और दूसरा ऑफ़र ऑफ़र ऑफ़र, और तीसरा फ्री वाले आइटम देख के साथ वाला आइटम ख़रीद लो। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ दाम कम हो वहाँ जनता टूट पड़ती है, चाहे वो हम हो या आप हो, ऐसा ही करते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी डिजिटल बाज़ार हमारे ख़रीदने के नियम को अच्छी तरह जानती है। हर साल जब भी कोई फेस्टिवल आते हैं, डिजिटल बाज़ारों में कोई ना कोई सेल आ जाते हैं, जैसे कि बिग बिलियन सेल, अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन सेल वगैरह वगैरह। और इसमें सामान हमें सस्ते से सस्ता मिलता है, जैसे कि जो फ़ोन पहले 15,000 का था वो अब सेल में 13,000 का हो गया है। ये एक तरह का लालच होता है। जो आदमी पहले 8,000 का फ़ोन ख़रीदने का सोच रहा था, अब वो सेल में 10,000 का फ़ोन ख़रीदना चाह रहा है। ये ऑनलाइन वाले एक तरह से आपको लुभाते हैं, ताकि आप जितने पैसों का सामान ख़रीद रहे हैं उससे ज़्यादा दाम का सामान खरीदें। लेकिन एक सवाल सबके मन में रहता है, क्या ये कंपनी सच में सेल में अपना सामान का दाम गिरा देती है? क्या 10% ऑफ या कुछ कैशबैक पाने के चक्कर में हमें वो सामान खरीद लेना चाहिए जैसी कंपनियाँ चाहती हैं? ये सब कैसे पता चलेगा? जो हम फ़ोन आज ख़रीद रहे हैं वो कल कितने का था, जब से ये फ़ोन मार्केट में आया है तब से लेकर आज तक कब कब कम हुई है या कब ज़्यादा हुई है, ये हमें कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ कि ये सब सवालों का जवाब कौन देगा आपको? मैं दूंगा। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आपको ये सब चीज़ों का जवाब देगा। एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है बाय हथके। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। और ऐप्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ वेब स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, पहला वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इसमें आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको टाइप करना है बाय हथके। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ गया बाय हथके नाम का, ये ऐड टू क्रोम पे आपको क्लिक करके ऐड कर देना है अपने क्रोम में। और देखिए दोस्तों, उसके बाद कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको ऐड करना है कि नहीं करना है, तो इस पे ऐड एक्सटेंशन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस एक्सटेंशन को जोड़ने के बाद ये एक्सटेंशन आपको बताएगा कि जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका दाम अलग अलग वेबसाइट पे कितना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख के आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, ये जो बाय हथके एक्सटेंशन है ये आपके क्रोम ब्राउज़र में सेट हो गया है। तो इसको हम कहा दे देते हैं। अब हम जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ हमको ख़रीदना है, तो देखिए मैं फ्लिपकार्ट में चला जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे को Redmi 7A ख़रीदना है, तो मेरे को जानना है कि इसकी प्राइस अलग अलग वेबसाइट में कितना है। मान लीजिए अमेज़ॉन में कितना है, या शॉपक्लू में कितना है, या फिर पेटीएम मॉल में कितना है। तो मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरे को यहीं से पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस और सब वेबसाइट पर कितना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको इम्प्रूव प्राइस कंपेरिजन, तो इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कुछ, ये देखिए क्रोमा में आता है आपको ये 5,800 में, और यहाँ भी नीचे में भी यही दाम है 5,800। और ये देखिए क्रोमा में एक और दाम मिलता है जो कि 2GB 32GB रैम के लिए है, तो इसका दाम है यहाँ पर 6,099, यानी 6,100 कुछ। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो इसमें मेरे को दिखा रहा है कि शॉपक्लू में इसका दाम है 6,099, 2GB 16GB रैम का, और यहाँ पर 2GB 32GB रोम का था 6,099 रुपये। और देखिए कितना प्राइस का फ़र्क है, शॉपक्लू में ये महंगा मिल रहा है मेरे को, 2GB रैम 16GB रोम मिल रहा है मेरे को 6,099 में, तो है शॉपक्लू में ये महंगा। तो मेरे को सबसे ज़्यादा सस्ता तो यहीं फ्लिपकार्ट में लग रहा है, फ्लिपकार्ट में दाम है अभी इसका 5,000 रुपये, तो सबसे सस्ता यहीं से है, तो मैं खरीदूंगा तो यहीं से खरीदूंगा। दोस्तों, इस एक्सटेंशन का सबसे मज़ेदार फीचर है वो है इस प्रोडक्ट का पूरा इतिहास मेरे को पता चल जाएगा यहीं से। तो देखिए, उसके लिए आपको यहाँ पर प्राइस ग्राफ में जाना है। यहाँ पर आप जब खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि इसकी प्राइस जब लॉन्च हुआ था तो ये कितना था। देखिए 19 अगस्त को इसकी प्राइस थी 6,000 रुपये, और उसके बाद ये 6,000 में चलते आया, फिर उसके बाद में इसकी प्राइस अचानक बढ़ गई यहाँ से। ये देखिए डेट है 18 सितंबर को, तो इसकी प्राइस हो गई थी 6,500 रुपये। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक अगले दिन इसकी प्राइस गिर गई, ये हो गया था फिर से 6,000 में, और ये 6,000 में फिर चलते आया। फिर अचानक अभी जो सेल हुआ था, बिग बिलियन सेल, अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन सेल, उसमें इसकी प्राइस हो गई थी 5,000 रुपये, आप तो जानते होंगे अगर आपने देखा होगा तो। और जब बिग बिलियन सेल और ये सब अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन सेल जब इसका ख़त्म हो गया सेल वगैरह, तो इसकी अचानक दाम बढ़ गया, इसका दाम हो गया था 6,000 रुपये। और जब अभी फिर से दोबारा सेल आया है तो इसकी दाम हो गई है घट के 5,000 रुपये।
तो आप इसमें पता कर सकते हैं कि इसकी प्राइस पहले कितनी थी और अभी कितनी है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले इसकी प्राइस कम थी अभी बढ़ गई है, या फिर बाद में कहीं बढ़ ना जाए या घट ना जाए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी प्राइस आगे आने वाली दिनों में कम हो सकती है या नहीं, तो उसके लिए भी एक फीचर दिया गया है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ड्रॉप चांसेस लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी गिर सकती है तो आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3 दिन में इसकी प्राइस कितनी गिर सकती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 0 चांसेस, आप देख सकते हैं जैसे कि 0 चांसेस, तो कोई भी चांस नहीं है कि इसका प्राइस और कम होगा। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस था 6,000 रुपये, और फिर इसका दाम बढ़ के 6,500 हो गया था, और अब दाम है इसका 5,000। तो मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा ये गिरेगा, और ना कि गिरना भी चाहिए इसको। और इन वीक में देखा जाए तो यहाँ भी 0 चांसेस है, और यहाँ पर मंथ में देखा जाए तो मंथ में भी 0 चांसेस है, तो इसकी प्राइस ड्रॉप होने का कोई भी चांस नहीं है। इसका मतलब ये ऐप जो है वो प्रिडिक्शन भी करता है, यानी बताता भी है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और दोस्तों मान लीजिए आपको एक फ़ोन ख़रीदना है जिसका दाम है 10,000 रुपये, लेकिन आपको वो ख़रीदना है 9,000 में, और आप चाहते हैं इस फ़ोन का जब भी दाम 9,000 हो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि इस फ़ोन का दाम अब 9,000 हो गया, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी फीचर यहीं पर दिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वॉच प्राइस ऑन, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपका जितना भी प्राइस है यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे कि मेरा प्राइस है 4,500 लिखा, और यहाँ पर सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाता है, तो ये 4,500 का हो गया। अब जब भी ये 4,500 में आता है आपकी ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट 4,500 का हो गया और आप इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों देखिए आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कूपन का ऑप्शन है, इस रेडमी 7A के जितने भी ऑफर्स चल रहे हैं, मतलब किस किस में डिस्काउंट है, वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए आप जो ऑफर चल रहे हैं यहाँ पर, मैन एसेसरीज, गिफ्ट वाउचर वगैरह, और ये सब जो अदर ऑफर चल रहे हैं बैंक वगैरह में, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं ऑफर, कोई भी ऑफर आप चुन लीजिए, और ये प्रोडक्ट आपको और सस्ते में पड़ सकता है। अगर आप इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में जोड़ देते हैं तो आपकी खरीदारी हो जाएगी और भी आसान और भी फायदेमंद। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आप बाय करने में। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।